कुनूज तुम्हारी वजह से इस हालत में पहुंची। जब पूछा है भाई, मुझे तो बताओ। क्या करेंगे आप जान के? जो होना तो वो तो हो गया। उरूज सीढ़ियों से उतर रही थी, अंधेरा था, उसका पैर फिसला तो वो जमीन पे गिर गई। बस ये कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी आसानी से तुमने सुना दी है। बस एक बार मैं कामयाब हो जाऊं, एक बार इस उरूज से मेरी जान छूट जाए, बस। मगर तुम इतनी जल्दी में क्यों? एक दो रोज पहले तो कोशिश की आज फिर। क्योंकि उरूज बहुत कुछ जान चुकी है। इससे पहले कि वो मेहरीन या सलमान को सब कुछ बता दे, मैं उसकी जबान को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहती हूँ, वरना हमारे हाथ कुछ नहीं होगा। ठीक कहते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा किसने किया, अब क्या हुआ, सब एक हादसा समझ के भूल जाएंगे। क्या बात है, बहुत मुस्कुराया जा रहा है। बात ही ऐसी है, तुम सुनोगी तो तुम भी मुस्कुरा दोगे। तो फिर जल्दी से बता दें, क्योंकि काफी दिन हो गए मैं भी नहीं हंसी। तो दरअसल बात यह है कि हम वोकेशंस के लिए दुबई जा रहे हैं। सच? बिल्कुल सच। तो फाइनली तुम्हारे साथ खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलने वाला है मुझे। हमें साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। जानती हो, हम साथ तो रहते हैं, मैं कभी फुर्सत के लम्हे नहीं मिले। लेकिन सलमान, एक बात बता दूं मैं तुम्हें, दुबई हो या कोई भी कंट्री, नो बिजनेस प्लीज। ऑल राइट, प्रॉमिस, नो बिजनेस। तुम्हें पता है सलमान, ये समंदर मुझे पागल कर देगा। अच्छा, ये तो बहुत गलत बात है। अगर मेरी इतनी खूबसूरत बीवी पागल होगी तो मेरा क्या बनेगा? सलमान, जस्ट किडिंग।
सलमान बेटा, ये सब कैसे हो गया? कहाँ है मेरी उरूज? ऑपरेशन थिएटर में। फिकर न करो नसीमा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हमारी उरूज बहुत हिम्मत वाली है। मुसलसल छोटे तो पत्थर को भी तोड़ देती है मास्टर साहब। मेरी उरूज तो फूलों जैसी है। हम ना प्लेसर करेंगे, बैठो। शाइस्ता मिशन कैसी उरूज? जो अल्लाह की मर्जी है क्या कर सकते हैं हम? दुआ तो कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, बैठिए दुआ करते हैं। जी सर, हाँ मैं हॉस्पिटल आया था, वो असली।